उत्तराखंड में अब प्रीपेड मीटर को लेकर विपक्ष ने विरोध जताया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने प्रीपेड मीटर पर सवाल उठाए और एक घंटे का मौन व्रत रखा। हरीश रावत का आरोप है कि पहले से ही बिजली दरों पर लोगों को लूटा जा रहा है। अब राज्य सरकार बिजली का नियंत्रण एक ऐसी कंपनी को देना चाहता है जो प्रीपेड मीटर लगाएगी। पहले से ही बिजली का बिल आम लोगों पर भारी पड़ रहा है। प्रीपेड मीटर लगाने के बाद लोगों पर और बोझ पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को एकजुट होकर इस प्रीपेड मीटर के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। भगवान, मेरा ये मौन जो एक घंटे का है, ये उन लोगों को समर्पित है जो सरकार के एक गलत निर्णय से पीड़ित होने जा रहे हैं। सामान्य नागरिक, प्रीपेड स्मार्ट मीटर जिसे राज्य सरकार अपनी एक चहेती कंपनी को सौंपेगी और वही फिर उसका संचालन करेंगे। जिस तरीके से जियो वाले ने पहले फ्री फिर कम रेट पर और अब धीरे धीरे सारी संचार व्यवस्था पर, मोबाइल व्यवस्था पर अपना कब्जा कर लिया है, तो उसी तरीके से वो कंपनी भी प्रीपेड स्मार्ट मीटर के माध्यम से विद्युत वितरण पर कब्जा करेगी। जब पूरी उसके चंगुल में सब चीज़ें आ जाएंगी तो फिर धड़ाधड़ रेट्स बढ़ते जाएंगे और लोग विवश हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि ये व्यवस्था न लागू हो और जो व्यवस्था पहले से चली आ रही है उसी व्यवस्था को लागू करें। बल्कि उसमें जो पुरानी व्यवस्था थी कि दो महीने में एक बार बिजली का बिल लेने की, वो लागू, आपको घाटा है। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बिजली की आपूर्ति को अधिक स्मार्ट और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। स्मार्ट मीटर की मदद से उपभोक्ताओं को अब यह जानने में सुविधा होगी कि उन्होंने कितनी बिजली का उपयोग किया है और उनके बिजली बिल की स्थिति क्या है। यह पूरी प्रक्रिया उपभोक्ताओं के लिए न केवल पारदर्शी होगी बल्कि उन्हें समय समय पर जानकारी प्राप्त करने में भी आसानी होगी। वहीं प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाए जाने को लेकर अब उत्तराखंड में सियासत का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में महंगाई चरम पर है, ऐसे में प्रदेश सरकार स्मार्ट मीटर लगाकर जनता और प्रदेश के किसानों को ठगने का काम कर रही है। वहीं मामले को लेकर बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि कांग्रेस को चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने की वजह से स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध कर रही है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, कांग्रेस ने ठेका ले लिया है अपराधियों को संरक्षण देने का, कांग्रेस ने ठेका ले लिया है भ्रष्टाचार चलते रहने का, कांग्रेस ने ठेका ले लिया है बिजली चोरी होने देने का और कांग्रेस उसी राह पर आगे बढ़ रही है। मैं कहता हूं कि अगर स्मार्ट मीटर लग जाएंगे, जितनी हमारी खपत होगी उतनी हमको रीडिंग देनी पड़ेगी, तो किसानों को लाभ होगा। तो उस कांग्रेस नहीं लेना जानना चाहती है, वो चंद उन लोगों के साथ खड़ी है जो बिजली चोरी करते हैं, जो आपराधिक कार्यकृत्य कर रहे हैं, उन चंद लोगों के साथ कांग्रेस खड़ी होकर इसके विरोध में जा रही है। तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि आखिर वो एक राष्ट्रीय दल है, प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल है, तो क्या इस प्रवृत्ति को वो बढ़ावा देना चाहते हैं? तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा प्रश्न है, मीडिया को पूछना चाहिए कि क्या बढ़ावा देना चाहते हैं इस तरह की जो बिजली चोरी की प्रवृत्ति को, या उसको रोकना चाहते हैं? आज शहरों में भी तुमने स्मार्ट मीटर लगाए, मेरे घर में स्वयं लगा हुआ, आपके घर में स्वयं लगा हुआ, कौन लगा रही वो स्मार्ट मीटर? यहाँ भी तो लगे थे, हमें तो कोई आपत्ति नहीं हुई, हम लोगों को बुला के लगवाया। तो अगर हमारी बिजली की खपत हो रही है उसके मीटर के हिसाब से पैसा दे रहे हैं, तो उसमें कहाँ दिक्कत है?